नमस्कार। क्या आपको ताज्जुब हो रहा है कि मैं इन अणु परमाणु में से आपके सामने आ गई, है ना? क्योंकि हम आपको एक नई दुनिया की सैर कराने वाले हैं। ये है हमारा ब्रह्मांड, जिसमें अनेक ग्रह, उपग्रह, सितारे और अनगिनत आकाश गंगाएं आई हुई हैं। और 1,00,000 प्रकाश वर्ष के अंतर से हमारी आकाश गंगा कुछ ऐसी नजर आएगी। हीरों की तरह चमकने वाले ये सितारे हमें नजर तो आ रहे हैं, मगर वो हमसे 1,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। 10 प्रकाश वर्ष के अंतर से दिखने वाला ये ब्रह्मांड अब भी हमारी नजरों से बहुत दूर है। ये चमकीला सितारा जो नजर आ रहा है वो है हमारा सूर्य, जो हमसे 1 प्रकाश वर्ष के अंतर पर है। और ये है हमारी सूर्यमाला। इसका अंतर जानना है? 100 अरब किलोमीटर। 1,000 करोड़ किलोमीटर के अंतर से नजर आता है शुक्र, पृथ्वी और मंगल का ग्रह पथ। दूरियां कम होने पर, यानी कि 100 करोड़ किलोमीटर से हमारी पृथ्वी का ग्रह पथ ऐसे नजर आता है। 10,00,000 किलोमीटर की दूरी से हमें नजर आती है हमारी पृथ्वी और उसके एकमात्र उपग्रह चंद्र का ये ग्रह पथ। पृथ्वी का ये है विशाल रूप। 10,000 किलोमीटर की दूरी से हमें पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। भारत का कोई भी प्रदेश 10 किलोमीटर की दूरी से ऐसा नजर आएगा। और करीब जाने पर हम उस क्षेत्र में आई इमारतें और सृष्टि को इस तरह निहार पाते हैं, क्योंकि अब करोड़ों किलोमीटर की दूरियां कम होकर सिर्फ 1 किलोमीटर की हो गई है। इतना ही नहीं, अब तो हमें इमारतें और उसके इर्द गिर्द आए पेड़ पौधे भी साफ दिख रहे हैं, क्योंकि अंतर रहा है सिर्फ 100 मीटर का। अगर दूरियां और कम होकर 10 मीटर हो जाती है तो हमें पेड़ के पत्ते टहनियां भी नजर आ सकती हैं इस तरह। और 1 मीटर के अंतर से देखने पर पेड़ इस तरह पत्तों से हरा भरा नजर आता है। ये पत्ता तकरीबन 10 सेंटीमीटर का होता है। पत्ते के ऊपरी भाग को अगर 10 गुना बड़ा बनाकर देखा जाए तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा। उसे हम अगर 100 गुना और बड़ा कर पाए तो पत्ते का ऊपरी हिस्सा ऐसा दिखाई देगा। ये है पत्ते के पृष्ठ भाग पर आए कोषाणु, जो हमें 1,000 गुना बड़ा बनाने के बाद दिख पाते हैं। अगर हमारी दृष्टि की शक्ति को 1,000 गुना बढ़ाया जाए तो हम पत्ते के एक एक कोषाणु को भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह। आप इस कोषाणु के भीतर प्रवेश करना चाहते हैं? ये है पत्ते के एक कोषाणु का नाभिक। इसे 1,00,000 गुना बढ़ाकर दिखाया गया है। ये है पत्ते के कोषाणु के भीतर आए नाभिक का जननिक रूप, जिसे देखने के लिए हमें ऐसा उपकरण चाहिए जो अति सूक्ष्म चीजों को 1 करोड़ गुना बड़ा बनाकर दिखा सके। कोषाणु के नाभिक में पाए जाते हैं DNA, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। ये प्रकृति का एक अति सूक्ष्म अजूबा है। DNA के बाद क्या? चलिए DNA की रचना भी देखते हैं, क्योंकि हमारी इस यात्रा के मूल तक अब हम पहुंचने वाले हैं। हमें 1 अरब गुना बड़ी दृष्टि चाहिए। ब्रह्मांड से शुरू हुई हमारी ये यात्रा अणु तक पहुंच चुकी है। ये है कार्बन के अणु के आसपास फैला हुआ इलेक्ट्रॉन का बादल, जो हमें ब्रह्मांड दर्शन की याद दिलाता है। किसी भी पदार्थ का अति सूक्ष्म हिस्सा होता है अणु। इसी से जुड़ी है एक नई दुनिया। इस दुनिया का नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। क्या कभी आपने इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है? चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। नैनो टेक्नोलॉजी समझना बहुत आसान है। अगर हम किसी भी पदार्थ को विभाजित करते जाते हैं तो उसे हम 1 सेंटीमीटर भी छोटा बना सकते हैं। इसे अगर हम और भी विभाजित करते जाएंगे तो वो पदार्थ अति सूक्ष्म हो जाएगा। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा यूनिट है एटम। उसी तरह इमारत बांधने में सबसे छोटी इकाई है ईंट। ईंटों को हमारी डिजाइन के अनुसार रखकर हम अपनी मनचाही इमारत खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम अणुओं को अपने मनचाहे ढंग से लगा पाए तो हम नए पदार्थ अपनी जरूरत के मुताबिक बना पाएंगे। इस नई क्रांति का नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी से हम अति सूक्ष्म यंत्र बना पाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी के रिसर्च का मुख्य हेतु है एटम को कंट्रोल करना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य किस्म के अणु पूरे ब्रह्मांड की रचना के मूल घटक हैं। यही अणुओं से बने हैं सितारे, ग्रह, पर्वत, पानी, इंसान, वृक्ष और सब कुछ। नैनो टेक्नोलॉजी से मटेरियल्स और डिवाइसेस को नैनोमीटर स्केल में बनाकर उन्हें एक नया रूप दिया जा सकता है। भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए सब कुछ बदल जाएगा। नैनो मूल ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बहुत ही छोटा।
इतना छोटा कि किसी भी इकाई यानी के यूनिट का अरबवा हिस्सा। पहले ये जानते हैं कि मेट्रिक सिस्टम क्या है। 1790 में फ्रांस की क्रांति के दौरान अंतरराष्ट्रीय तोल और लंबाई के प्रमाण पहली बार तय किए गए। तरल यानी कि एक लिक्विड का यूनिट है 1 लीटर, समय का यूनिट है सेकंड और मिनट, तोल के यूनिट हैं ग्राम और किलोग्राम, लंबाई का सामान्य यूनिट है मीटर, घन यानी कि सॉलिड के लिए यूनिट है क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर, और इस तरह दुनिया को मिले सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो आइए जानते हैं नैनोमीटर आम लंबाई में अन्य चीजों की तुलना में कितना सूक्ष्म है। ये है हमारा मेट्रिक स्केल। 1 डेसीमीटर होता है 10^-1 मीटर और 1 सेंटीमीटर है 10^-2 मीटर। ये है स्केल जिसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, मिली स्केल, माइक्रो स्केल और नैनो स्केल। 1 मिलीमीटर है मीटर का 1000वां हिस्सा जिसमें 3 शून्य होते हैं। 1 माइक्रोमीटर है मीटर का 1000000वां हिस्सा जिसमें 6 शून्य होते हैं, जबकि 1 नैनोमीटर है 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा जिसमें 10 शून्य होते हैं। पीकोमीटर होता है 1 मीटर का पद्म यानी कि ट्रिलियनवां हिस्सा जिसमें 12 शून्य होते हैं, और 1 मिलीमीटर है 10^-3 मीटर। यह है पिन का सिर मतलब हेड, जिसका कद 1 से 2 मिलीमीटर होता है। पेंसिल की लकीर 1 मिलीमीटर की होती है, और मनुष्य के रक्त में आए रेड ब्लड सेल्स होते हैं सिर्फ 2 से 5 माइक्रोमीटर्स के। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे शरीर के डीएनए होते हैं सिर्फ 2 से 5 नैनोमीटर के। 1 नैनोमीटर मनुष्य के 1 बाल से भी 50,000 गुना कम है। नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए गए ट्रांसिस्टर्स अति सूक्ष्म होते हैं। वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि मनुष्य के 1 बाल के व्यास में 1000 ट्रांसिस्टर्स फिट हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी में आए क्रांतिकारी परिवर्तन की वजह से सारी चीजें बौनी बनने लगी। ये दुनिया के सबसे पहले बने कंप्यूटर्स में से एक है, और इस तरह कंप्यूटर और भी छोटे होने लगे। आज तो हम लैपटॉप और पाम टॉप इस्तेमाल करने लगे हैं। बाबा आदम के जमाने का ये टेलीफोन धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगा और उसका कद भी छोटा होने लगा, और आजकल तो मोबाइल का जमाना है। कभी टॉवर पर लगने वाली घड़ी कलाई पर आ गई। किसी ने सोचा भी न था कि परिवर्तन इतना आ जाएगा कि सब कुछ बौना होते जाएगा। कोई भी सब्सटेंस, भौतिक वस्तु अणु और अणुकणिकाओं के गठबंधन से हुआ है। विज्ञान की खोज से आज हमें ये पता चल सकता है कि किस तत्व की अणु रचना यानी कि एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और इस ज्ञान के हिमालय से अब बहने वाली है नैनो टेक्नोलॉजी की गंगा, जो समूचे विश्व का कल्याण करने के लिए बहेगी। हमारे इस रोचक कार्यक्रम के 2 अनूठे सूत्रधार, 2 नैनो रोबोट, ये आने वाले भविष्य के हीरो हैं। नमस्कार, मैं हूँ नैम्बो। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। बैम्बो आपका स्वागत करता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी भी कमाल की है। ये कमाल की नहीं, बहुत कमाल की है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी मुख्य 3 पार्ट में विभाजित है, नैनो मटेरियल्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो बायोटेक्नोलॉजी। नैनो मटेरियल्स, इससे सूक्ष्म पदार्थ हम बना पाएंगे। इस आविष्कार का चमत्कार भी अनोखा होगा, कुछ इस तरह। माय गुडनेस, नैनो में तो असीमित ताकत छिपी हुई है। क्यों नैम्बो, क्या इतनी ताकत कि वो सूरज की तेज किरणों से भी टक्कर ले सकती है? क्यों नहीं बैम्बो, नैनो पार्टिकल से बनी ये स्पेशल क्रीम सूरज की किरणों से त्वचा की रक्षा करती है। वो कैसे नैम्बो? इसमें इस्तेमाल किए गए नैनो पार्टिकल्स त्वचा को सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से बचाते हैं। एक नैनोमीटर 10^-9 मीटर के बराबर है। अगर हम मान लें कि दिल्ली और भोपाल की दूरी 1000 किलोमीटर है
और एक कागज की मोटाई 1 मिलीमीटर है, तो जितने मिलीमीटर 1000 किलोमीटर में है उतने ही नैनोमीटर 1 मीटर में है। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स की नैनो टेक्नोलॉजी में अहम भूमिका होगी इस तरह। ये है एक आम दिखने वाला लॉकेट, मगर ये लॉकेट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल का चमत्कार है। हृदय के विकारों से पीड़ित व्यक्ति के लिए ये लॉकेट जान बचाने वाला गैजेट बन सकता है। ये लॉकेट का वैज्ञानिक नाम है लैब ऑन चिप। इसे पहनने वाले के ब्लड प्रेशर या हृदय की धड़कन में थोड़ा भी परिवर्तन आ जाए तो ये लॉकेट अपना काम शुरू कर देता है। जैसे हृदय की धड़कने ज्यादा बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं, तो उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ECG SMS के जरिए सीधा जाता है डॉक्टर के मोबाइल में। इस तरह पेशेंट के दिल पर डॉक्टर नजर रख पाएंगे और उसकी जान बचा पाएंगे। किंतु सबसे अहम भूमिका होगी जीव विज्ञान में, लाइफ साइंस में। नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होगा इंसान को बीमारियों से बचाने का। इस तरह भविष्य में हम जानलेवा बीमारियों से लड़ पाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी से बने ये नैनो रोबोट लैम्बो और बैम्बो इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। ये रोबोट बहुत ही सूक्ष्म होंगे, हमारी तरह वेरी वेरी स्मॉल। हम आपको बताते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हियर वी गो। नैनो टेक्नोलॉजी से बने नैनो रोबो मनुष्य की रक्त वाहिनी से शरीर के भीतर प्रवेश करेंगे और जिन कोशाणु या तो कोशिका मतलब जो सेल बीमार है या तो जिस सेल को मार हटाना है उसी का खात्मा करेंगे। कंप्यूटर में घुसे वायरस को ढूंढकर उसे मार हटाने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरह भविष्य में मानव DNA का विश्लेषण करने वाली नैनो चिप नैनो टेक्नोलॉजी से बनाई जाएगी। इससे हम वर्तमान की बीमारियां तो जान ही पाएंगे मगर भविष्य में आने वाली बीमारियों के बारे में भी पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, DNA की रचना बदलकर उसकी प्रतिकार शक्ति भी बढ़ाई जाएगी। कोयले और हीरे की रचना उसके मूल तत्व कार्बन के अणु पर आधारित है। कार्बन अणु के विभिन्न विन्यास यानी कि कॉन्फ़िगरेशन से ही हमें कोयला या हीरा मिल सकता है। मगर क्या कोयले की अणु रचना नैनो टेक्नोलॉजी बदल पाएगी? क्या कोयले को हम हीरा बना पाएंगे? हाँ हाँ, कोयले को हीरा बनाना इतना आसान नहीं है। वैसे आने वाले समय में इतना मुश्किल भी नहीं होगा। नैनो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं नैनो पार्टिकल्स जो नैनोमीटर जितने छोटे होते हैं, जैसे कि कोलाइडल गोल्ड और मैग्नेटिक पार्टिकल्स। गोल्ड पार्टिकल्स कैंसर से लड़ने में बड़ी सहायता करते हैं। हम कैंसर ग्रस्त कोशाणुओं को इस नई टेक्नोलॉजी से मार हटा पाएंगे। आइए गोल्ड नैनो पार्टिकल की खास बातें जानते हैं। इस प्रयोगशाला में वैज्ञानिक आसान तरीकों से सोने को अति सूक्ष्म बना सकते हैं। यहाँ जो अलग रंग के द्रव नजर आ रहे हैं वो तो दरअसल सोना है, मगर नैनो पार्टिकल्स के रूप में। सोने को नैनोमीटर के तबके तक ले जाने पर उसके अभिलक्षण बदल जाते हैं। सोना ऐसे तो पीले रंग का होता है, मगर जब उसके नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं तब देखिए क्या होता है। पीला दिखाई देने वाला सोना अति सूक्ष्म बनने पर अपना रंग तो बदल देता है, साथ में उसके मूल लक्षण भी बदल जाते हैं। यहाँ नजर आने वाला लाल रंग का द्रव असल में तो 3 नैनोमीटर के नैनो गोल्ड पार्टिकल्स हैं। जब भी किसी मूल पदार्थ को हम अति सूक्ष्म बनाते हैं तब उसके समूचे गुण बदल जाते हैं, इस गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की तरह। नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए उड़ान क्षेत्र में भी अर्थात एरोस्पेस में भी परिवर्तन आने वाले हैं। इतना ही नहीं, ऑटोमोबाइल उद्योग भी तेज रफ्तार से बदल जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से हम स्टील से भी अनेक गुना मजबूत और उससे वजन में कई गुना हल्की धातु बना पाएंगे, और ये चमत्कार होगा नैनो टेक्नोलॉजी से। बस इतना ही नहीं, पोल्यूशन घटाने में भी नैनो टेक्नोलॉजी हमारी मदद करेगी। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों को बौना बना देगी। हम आपको आगे बताएंगे नैनो पार्टिकल्स क्या है, नैनो कार्बन ट्यूब क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा ये भी बताएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी पर भारत क्या क्या रिसर्च कर रहा है,
नैनो भारतीय एक्सपर्ट से होंगी बातें मुलाकातें और बात होगी नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक में जारी एक जंग की। नैनो टेक्नोलॉजी की दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि मटेरियल्स या डिवाइसेस की प्रॉपर्टी उनकी साइज पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए एक सिलिकॉन चिप अगर 6 इंच डायमीटर की है या 1 इंच डायमीटर की है या 1 माइक्रोन डायमीटर की है तो उसकी प्रॉपर्टी समान होती है, लेकिन नैनोमीटर रेंज में सिलिकॉन या दूसरे मटेरियल्स की प्रॉपर्टी उनके साइज पर निर्भर करती है। नैनो टेक्नोलॉजी की दूसरी विशेषता है कि डिवाइसेस या मटेरियल्स को नैनो स्केल पर बनाना। इससे हम मोटर्स या वेइंग मशीन या एक वर्किंग फैन एक स्मॉल स्केल पर बना सकते हैं। तो नैनो स्केल पर बनी हुई ये डिवाइसेस की प्रॉपर्टी, उनकी सेंसिटिविटी, उनकी एक्यूरेसी नॉर्मल डिवाइसेस से बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। परागण के मामले में मधुमक्खियों के बाद दूसरी जगह तितलियों की है। तितलियों के पंखों पर बने चमकदार रंगों वाले विन्यास छोटे छोटे रंगीन शलकों से बनते हैं जो उनके पंखों पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी के हिसाब से रंग बदलते रहते हैं। तितली का मुंह या दांत नहीं होते, ये नलिका जैसे एक लचीले लंबे अंग से पराग को अपना आहार बनाती है। इस अंग को प्रोबोसिस कहते हैं। तितली के जीवन चक्र को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये 4 चरण वाली एक पेचीदा प्रक्रिया होती है। तितली की अलग अलग प्रजातियां अलग अलग पौधों की पत्तियों के नीचे की तरफ अंडे देती हैं। दस दिन में ही अंडा कैटरपिलर में बदल जाता है। अब ये कैटरपिलर इस पौधे को खाते हुए अपनी त्वचा छोड़ जाता है और बड़ा होता जाता है। चार और हफ्तों के बाद कैटरपिलर प्यूपा बन जाता है। प्यूपा के भीतर एक हैरतअंगेज परिवर्तन होता रहता है। कैटरपिलर का शरीर तरल में बदलता जाता है जिससे तितली का ढांचा बनता है। आखिरकार वयस्क तितली 10 से 15 दिन में बाहर निकल आती है। तितली बेहद नाजुक और हमला न करने वाला जानवर है। तितली की कुछ प्रजातियां तो अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए मिमिक्री का इस्तेमाल करती हैं। अपने पंखों पर बने डिजाइनों की वजह से ये अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाती हैं। कुछ प्रजातियों पर जहरीली तितलियों जैसे निशान होते हैं या आंखों जैसे निशान होते हैं जो किसी बड़े जानवर जैसी लगती हैं। आज कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से और पर्यावास खासकर पौधों और झाड़ियों के नष्ट होने के कारण जो तितलियों के प्रजनन की सबसे पसंदीदा जगहें हैं, तितलियों की आबादी में भारी कमी आती जा रही है। तितलियां हमारे आहार वाली फसलों का परागण करती हैं। इनके गायब होने से हमारी उपज कम होने का खतरा पैदा हो सकता है। अगर हम सदाबहार झाड़ियां, फूलदार पौधे और पेड़ लगाएं, तो इस अनूठी प्रजाति को जिंदा रहने का एक और मौका मिल सकता है। अब समय है सवाल जवाब का। हमारा आज का सवाल है, नैनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए ग्रीक, बी रोमन या सी चीनी। इसका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016।
आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vigyanprasar.gov.in। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमारे पते पर जरूर भेजिए या ईमेल कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in पर। नैनो टेक्नोलॉजी सारी दुनिया को घुमा दी, तो फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय। फिर मिलेंगे। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स को अत्यधिक छोटा करके उनकी कार्यकुशलता को बढ़ा रही है। हमारे खगोलीय पड़ोसी कितने दूर कितने पास के कॉन्टेस्ट नंबर 10, 11, 12 के परिणाम के बारे में विजेताओं को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जा रहा है और प्राइजेस विज्ञान प्रसार द्वारा उनके पते पर भेजे जा रहे हैं। सभी कॉन्टेस्ट के सही उत्तर व विजेताओं के नाम की सूची आप विज्ञान प्रसार की वेबसाइट www.vigyanprasar.gov.in पर देख सकते हैं।